जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खोखर पिजन क्लब। कबूतरबाजी वो खेल नहीं जो लौंडे खेलें, कबूतरबाजी वो खेल नहीं जो लौंडे खेलें, जान निकल जाती है सदमा सहते सहते। और हमारे यहाँ पे एक और डायलॉग बड़ा मशहूर है दोस्तों, वो मैं आपको इंशाल्लाह ना किसी से बताऊँगा, वो बड़ा बैकवर्ड गाली टाइप बन जाती है। लेकिन आप सबके प्यार का मोहब्बत का कल वाली वीडियो के कमेंट में आपके भाई ने देख लिया, ये इंशाल्लाह आप आपके भाई का प्यार है दोस्तों के साथ, जो लोगों ने कल कमेंट में देख लिया। बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद हो गए हैं और बड़े ठट पूंजिए मुंह उठा गए, इनको घर दूसरी दवा सालन नहीं मिलता, बातें कर रहे हैं। तो यही सच्चे बंदे की निशानी होती है कि यार बंदा उसके पीछे उसको ट्रोल करने में लग जाता है। तो जो भी बात थी आपको कल डिस्कस की, लोगों को पता लगा, फिर लोगों ने अपनी राय भी दी। और मैं अब आपको यही कहूँगा, मेरी ज़रा ठंडा पानी पी भी ना, गला सारा पक गया। अभी मैं मेडिसिन रात को भी खाई, अभी मैंने सुबह फिर खानी थोड़ा सा ना, कल सारा दिन मैं इधर जो है ना था भी नहीं। वो वीडियो भी कल पुरानी अपलोड की है बना कर, क्योंकि शाका कबूतर आ गया जी दोस्तों, फुलसिरा आ गया था, रुल खुल के सारे ही आ गए थे उस दिन। अभी इंशाल्लाह ना ऊपर आया हूँ, जेठ आपको पता लगा हुआ है, जेठ मंजी के हेठ अकेला ही बंदा हूँ, लगा हुआ एक बंदे को टच किया, वो इंशाल्लाह एक आधे दिन में ज्वाइन कर लेगा। कबूतर उड़ा के रोक लिए थे, अब फिर आज जो है ना, अभी इस टाइम 11 बजे का टाइम है जब मैं ऊपर आया, मैं इनको कम से कम भी आधा घंटा या पौना घंटा पहले पानी देकर वीड में छोड़ के गया था। मैं कहा पानी खींचेंगे फिर इनको उड़ाऊंगा। जेठ की कबूतरबाजी इतनी आसान नहीं है दोस्तों, ना हमने कभी किया ना हमसे होती है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, क्या पता हो जाए। बहरहाल आपके सामने एक एक वीडियो बना के शेयर करूँगा, कबूतर भी आपको दिखाऊँगा, कितने कबूतर हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। पानी इनके लिए लेके आता स्पेशल, किधर गया वो पानी, ये देखें ये पानी रखा हुआ है इनके लिए स्पेशल बना के। अब जो भी कबूतर उड़ के आएगा उसको ये पानी देंगे, क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन है, एनर्जी है, ये सारा का सारा नमकियात खींच लेगा पानी, ठीक है ना, ये लखा हुआ लिया था। अब इनको उड़ाएंगे, फिर आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। बाकी आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपके चाहत का बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों, आपने लाइनें लगा दी कमेंटों की, मैं कह रहा हूँ दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। पर आज बहुत सारे लोग अभी बातें कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं करने दें। देखें कोई माजी में यार, ये कोई पहला इंसिडेंस तो हो नहीं गया कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया हो, हर बंदा ही अपना सौदा मंजन भेजी जा रहा भाई। माजी में ही बड़े बड़े लोगों पे बैन लगे हैं, उस्तादों पे बैन लगे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीने ही छोड़ दे। गलती हुई तस्लीम की बात ख़त्म होगी, सजा हो गई, ठीक है, जब सजा ख़त्म होगी फिर से बाल हो जाएंगे। अब ये लोग अपना सौदा बेची जा रही मादी है, ये अब 11 बजे क्यों निकाल रहा हूँ इसको मैं बताता हूँ आपको क्यों निकाल रहा हूँ। कबूतर आए हैं बैग, ये उस दिन के बाद, ये देख ये सिर्फ घंटा फराने हैं मैंने इस गर्मी में, जरा इनको सेका बचे ना ये बैठ जाए बस, कोई लंबा चौड़ा इनसे काम नहीं लेना। एक बच्चा छोड़ा टैडी अलबत्ता, ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तो मेरा हो सकता है बैकअप में आ जाए। चल छापा टैडी बच्चा अच्छा उड़ता, चल जोन सरे तुम तो बेटा उड़ना जेठ दे, चलो अंदर यार आ जाए दाड़ी, जरा तबीयत ख़राब हुई। 11 बजे उम्र खोखर का ही काम है, इधर पल्ला मारना, गर्मी में लेर में पल्ला मार दिया, ये देखें दोस्तों गर्मी 42 टेम्परेचर, सारे के सारे कबूतर डाल दिए यार, ये ताड़ी ये काम ख़राब है, ये जो विड में चढ़े हुए हैं ना, ये इन्होंने सारा सत्य लोयो खलोयो की हो गया तानू सी पति, ये पता नहीं कहाँ से चढ़ गया ऊपर, अलग लोग किए थे मैंने, ये ना काम ख़राब करते हैं कबूतरों का। अभी गर्मी बड़ी पड़ी है, ये सिर्फ एक घंटा फिर जाए, सिर्फ एक घंटा बस, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, फिर इंशाल्लाह मैं इनको 2-3 दिनों के बाद ना बैकअप पर ले कर आऊँगा दोस्तों, ठीक है। गर्मी 42-43 टेम्परेचर पड़ी है, खला जी का वाड़ा नहीं है जेठ उड़ाना, लेकिन हम कोशिश कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है मेरे से भी कोई इतना आसान काम नहीं है कि मैं भी कहूँ मैं जेठ में छाँप बैठा लूँगा, ना 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 ना, बहुत औखा काम है, बहुत मुश्किल काम है। जेठ की गर्मी जितनी आ जाए ना, 43 टेम्परेचर है, अगर मैं ज़रा सा भी नज़र हटाऊँगा ना, मेरे कबूतर कहीं जीते हो गए तो मैं कहाँ लपता फिरूँगा। मैं बैठ के इधर ही बैठा हूँ और इनको देख रहा हूँ, मेरा सिर्फ आज जो टारगेट है ना बस ये एक घंटा फिर लें इस गर्मी में, बहुत है मेरे लिए, इनफ है एक घंटा। अभी 11 बजे उड़ाएँ, कल मैं इनको सीधे पीछे लेके जाऊँगा, ठीक है, 8 बजे, 8 बजे के बाद 2-3 दफ़ा 8 बजे उड़ाऊँगा, फिर इनको पक्की फिरत पर लेके जाऊँगा। 28 मई को पहली बाजी है, तो अभी जो भी हमारे उस्तादों ने हमें बताया, कोई बड़े लोग का मशवरा दे दोगे, देखें कोई बंदा घर से सीख के तो आता नहीं है, ठीक है। बहरहाल हम अपने हिसाब किताब के साथ जो है ना शिकल कर रहे हैं, स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह, शो करने की पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कल ही बंदा है, एक आधा कोई बंदा लभ रहा हूँ, मुझे नहीं लभ रहा, लेकिन मैंने लभना करीबी कही, चलो यार साथ हल बढ़ा देगा अकेला ही, देखो ना अभी 10 मिनट नहीं हुए पर आए तो सारी शर्ट पसीनों से भर गई है, माशाल्लाह गर्मी में सेका मरा है। कबूतरबाजी ये देखें, ये भी मेरे पास ही कबूतर हैं, जो लोगों के पास जेड़ में उड़ते हैं वो भी कबूतर ही होते हैं, वो कोई सामान से अच्छों से उतर के नहीं आते, मतलब ये है कि प्रैक्टिस मेहनत और उनकी स्टैमिना बनाना ही कबूतरबाजी है। वो देखें माशाल्लाह गर्मी में ये वजी है ना, इनको गर्मी जितनी पड़ेगी ये उतनी उड़ के आएंगे, क्योंकि आगे पड़नी गर्मी,
ठंडे मौसम में कबूतर उड़े हैं 28-30 टेम्परेचर में लोगों के साथ ही, गर्मी बढ़ी है कबूतर बोल लोग, ये भी कबूतर ही हैं, कबूतरों के बच्चे ही हैं, इनको भी दाना मिलता है, ये भी खाते हैं, ये भी उड़ते हैं, ये भी अच्छी छत पर रहते हैं, ये क्यों नहीं उड़ सकते, सवाल ही पैदा। इंशाल्लाह मेहनत पूरी करेगा। अभी देखें मैं जारी बात है, इतना तो नहीं हूँ अपना, मुझे एक्सपीरियंस है कि मुझे पता हो रहा है, जारी बात है मैं जो मेरे करीब तरीन उस्ताद हैं जो कबूतरबाजी जिन्हें मैं समझता हूँ मेरे उस्तादा कराम है, उसके अलावा भी दो चार बंदे हैं जिनको मैंने देखा, यार एक होता है ना यार ये बंदा बहुत कारीगर है, इसको मैंने देखा हुआ है, मैं इससे तजर्बा लेता हूँ, इससे पूछ रहा हूँ, तो मैं सलाह मशवरे के साथ ही अभी इंशाल्लाह कबूतर गेड़ा हूँ। कहा गया अभी जो है ना तुम इनको 2-3 दिन ना गर्मी में मारो 11 बजे, जब पूरी गर्मी इनको सेका पड़े, इनको पता हमने गर्मी में उड़ना है, कबूतर की जैसी ट्रेनिंग कराओगे वैसे ही तो रहेंगे, फिर जब ये ठंडे मौसम जब हम इनको पीछे लेके आएंगे ना पीछे 5-5:30 बजे, जेठ में तो पल्ला भी 5 बजे का होता है, तो ये नमी होगी ठंडा होता है मौसम, तो ये वट जाएंगे आसमान फिर ये उड़ के आएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे कबूतर जाके ऊपर ठुक गए, गर्मी दे लें एक कबूतर नहीं बैठा है, वीडियो दे लें, इस जाल पर भी कोई नहीं बैठा हुआ, इस जाल पर भी कोई नहीं बैठा हुआ, एक बच्चा मैंने अलबत्ता छोड़ा है वो। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा सा ना मोबाइल हीट अप होने की वजह से बंद हो गया था, तो माशाल्लाह अभी कम से कम भी कोई 10-15 मिनट हो गए हैं, ये सारी कबूतर ऊपर माशाल्लाह मारे चले गए, सिर्फ ये एक टैडी पट्ठा मलिक शकील, इसके ना पर बड़े घिसे हुए हैं कबूतर के, ये भागा नीचे आ रहा है और बाकी सारे के सारे ऊपर जाके ठुक गए हैं, उसमें बाबा लियाको जोंसरा बड़ी टैडन छोटी टैडन जोंसरी सलारी ये सारी ऊपर है माशाल्लाह, वो सामने फिरे क्योंकि इनको गर्मी का सेका पड़ना, भी इन्होंने भाग ही आना नीचे उन्हें सारों ने, ठीक है ना, ये नहीं है कि ये शाम शाम तक उड़ जाएंगे, अभी मैं ज़रा इनको गर्मी में मार रहा हूँ, ज़रा इनको ये लो वाली गर्मी पड़े ना इनके ज़रा कन पट्टियों पे, तो भी इनको फिर पता लगेगा ज़रा उड़ना है। अलबत्ता छत्ते सबकी बंद है, सब अपने घर नीचे ऐसे मेरे सुकून कर रहे हैं, मर खोकर कल्ला ही तोलिया लेके कबूतरबाजी कर रहे हैं, फिलहाल मुझे किसी का कोई गिला शिकवा नहीं है, लोग बातें करते थे करते हैं करते रहेंगे, बात भी उसी को देखे, फल वट्टा हमेशा उस फल को पड़ता है, उस पेड़ को दो मारते हैं जिस पर फल लगता है, ठीक है, जिस पर फल ही लगता ना और उसको कोई नहीं छेड़ता, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। और एक बात और मैं कहूँगा, ये जो लोग बातें कर रहे हैं राहगीर गुजर जाते हैं, कुत्ते भोंकते हैं और भोंकते ही रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जेठ की तैयारी शुरू है, अबरहाल जो हमारे उस्तादा कराम ने हमें बताया उस हिसाब से हम अपना ज़रा सिस्टम चला रहे हैं, ये पट्ठा फेल हो गया, ये पट्ठा नहीं उड़ेगा गर्मी में, इसको बैकअप पर लेके जाना है हमने, क्योंकि एक तो इसका कुंदे का थोड़ा सा इशू लग रहा है, क्योंकि उड़ता जब जा रहा ना इसका कुंदा नहीं सही चल रहा, अभी 15 मिनट नहीं हुए तो ये बैठ गया आगे, इस वजह से पट्ठा आएगा बैकअप पर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा मलिक शकील छोटा जो है ना, ये पट्ठा जो है ना ये जेठ में नहीं उड़ सकता, ये जेठ में गिर जाएगा, बट जेठ ये ठंडे 28-30 टेम्परेचर होता ना तो मेरा ये मलिक शकील ही नेरे में बैठना था, लेकिन अभी फिलहाल ये कबूतर जो है ना बैक हो गया, इसको आप अंडरग्राउंड करेंगे, उड़ाता मैं लाऊंगा लेकिन ये नहीं, 7 की लिस्ट में बैक बैर हो गया, ये उसके उड़ने से बता दिया कि यार ये गर्मी में नहीं, गर्मी नहीं चल सकता कबूतर, जेठ की कबूतरबाजी बड़ी औखी है दोस्तों, बहुत औखी है, खाला जी का वाड़ा नहीं है करनी। अभी मैं भी आज दूसरा दिन है जो ऊपर आके बैठा हूँ, ये देखना ये आके बैठ गया दोस्तों, गर्मी पड़ी ऐसी तबाह कन गर्मी पड़ी, लेकिन क्या करें अब लगाया हुआ है, ना उड़ाएंगे तो फिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई नहीं यार देखें मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला अजर दे देगा, एक आधा कबूतर उड़ा ही लेंगे इंशाल्लाह, जब मेहनत लगी होगी ना, ये देखना अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए इसको, इसके अला टायर मलिक शकील मामू थले एसिया की आवाज़ खाने वास्ते नहीं तुम रखिया, इधर बह गया कबूतरबाजी कर साढ़े ना, इधर दिखाया ना गर्मी कैसी है, गर्मी बहुत तेज है भाई, मुंह सड़ गया, मैं तो नहा के बैठा हूं, ठंड पड़ी है तेरी, ठंड पड़ी है आपके जिस्म को, पानी ना है पाजे को बैठा पसीना, कबूतरों को पानी पिलाना ठंडा, भाई होता बहुत ना, हम गर्मी जड़ी है ना भाई, हां जी गर्मी तबाह कर गर्मी मामा, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का तेरी दोस्त पड़ती है सर्दी सर्दी है, ऐना भी हमारी आ गई है, अब जो है ना ऊपर एक पंखे का निजाम करना इधर, क्योंकि इधर पंखा लगा के हम सुकून से इधर ही मंजी डेरा डाल के कबूतरबाजी होगी, अब नीचे जाने वाला काम भी, नीचे गया तो कबूतर आगे के आगे पीछे के पीछे, 42-43 टेम्परेचर है, 43 टेम्परेचर में मैंने 11 बजे कबूतर मारे हैं, कबूतर मेरे जाके सिर्फ मुझे अभी ये जब उड़ के आएंगे ना इनकी मंजी ठुकी होगी, इनके इतने तरह मुँह खुले होंगे और ये पूरे आगे लेट जाएंगे जालों के ऊपर, क्योंकि गर्मी बड़ी है और ये रवा भी नहीं है, अब पिछले जुमे के बाद आज निकाले 4-5 दिन के बाद, अब कल इनको फिर मारूंगा, 3 दिन लगातार इनको मारूंगा, कल मारूंगा सुबह, आज 11 बजे मारे हैं, कल इनको 9 बजे मारूंगा, फिर परसों इनको 8 बजे मारूंगा, फिर उसके बाद 3 दिन लगातार मारने के बाद वो खुराक देने के बाद इनको फिर सुबह 5 बजे लेके जाऊँगा, फिर एक डक पे लेता रहूँगा, फिर जाके गर्मी की कबूतरबाजी ये नहीं है कि एक दिन डालिए 2 दिन बंद कर लिए फिर डाल दिए, 27-28 टेम्परेचर है अभी, अगर हमने ये जेठ की कबूतरबाजी मेरे से होगी मैंने कर ली तो ये डजे डजे डालना मेरे लिए तो आप बच्चों का काम है,
और आपको पता ही है दो तवार आखिरी है माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे कबूतर उड़े। जिस तरह के कबूतर थे ना, देखे मैंने तो उड़ना नहीं है, उड़ना कबूतरों ने है। अब कबूतर ही नहीं अच्छे होंगे, मैं अकेला क्या कर लूँगा। वो देखे दो मीटर बैठा भाग गया नीचे से, पता भाई नहीं पका जा रहा। मामा भी महाराज है ना, गर्मी बड़ी है, जा जा। हाँ कोई गल नहीं मामा, कोई गल नहीं, गर्मी हले पैनी है, 40 टेम्परेचर 45 टेम्परेचर पैना है। तो दोस्तों मैं भी आपको कहूँ, मैं अकेला बंदा हूँ, अकेले बंदे से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अब इंशाल्लाह आज पूरा इंतजाम है, कल से कोई ना कोई अटैच होगा हमारे साथ, तो फिर इंशाल्लाह चलो दो बंदे होंगे, एक पानी देता रहेगा, संभाल के उतारता रहेगा। कबूतरी में कबूतर जहाँ बैठता उधर ही बैठा रहता है, उसको दस्ती उतारो, दो मिनट के अंदर अंदर खुडे के अंदर होना चाहिए। जिधर आपने देर की कबूतर गया, बड़ी गर्मी की कबूतरबाजी, प्रोफेशनल कबूतरबाजी होते हैं ना, जिनका काम होता है कबूतरबाजी, बड़े बड़े उस्ताद लेवल के, वो ये करते हैं। हमारे जैसे आम बंदों के बस की बात नहीं है। हमारा धर्मपुर में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कोई किसी की नहीं है कि गर्मी में पल्ला मारे, ये हमने मारा क्योंकि हमारा लगा हुआ है, जिनका लगा होता है तो वो। बाकी केले जेठ उड़ रहे हैं, कोई उड़ भी नहीं रहा, अभी आपके सामने है इंशाल्लाह, देखें उड़ेगा ज़रूर। मैं आज आपको ये बात कर दूँ, आज 15-16 तारीख का अल्लाह मेरी ज़िंदगी करे खैर का वक्त लाए, खुड्डे में एक टैडी बच्चा भी हुआ तो आपका भाई जेड़ के अले दिन मोर लगा के कबूतर जरूर उड़ाएगा, जो मर्जी हो जाए उड़ाऊँगा ज़रूर। ये बातें जो गलत करती थी ना दुनिया, उनको मैं बताऊँगा, उड़ाऊँगा ज़रूर। अलबत् मोबाइल हीटअप बहुत हो गया हमारा गर्मी की वजह से, कबूतर सारी ऊपर है, ये बल्कि भागे ही आ रहे हैं, बस इनकी मंजी ठुकी है, गर्मी बड़ी है। दोस्तों जोसरा शामों को बैठता था, ये देखें इसकी, ये लेट गया कबूतर, अभी 10 मिनट नहीं फिरा तो इसकी मंजी ठुकी है। जोसरा शामों को 3-3 बजे बैठा, गर्मी पड़ी है तो नीचे भागने की कर, क्यों कनपट्टियों पे गर्मी पड़ी है ना, ये सामने फिरने वाले कबूतर फेल है इस मौसम में। इस मौसम में वही कबूतर है जो ग्राई करता है, लेकिन कोई नहीं, इनको डंडे ऐसे मारेंगे, इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, ये खुद ही सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई टेंशन। अभी ये गर्मी की कबूतरबाजी की निशाई माशाल्लाह हमारा उड़ेगा, गर्मी का कबूतर उसको है पुराना लकवा, वो हवा में ना डामाडोल हो जाता है, लेकिन गर्मी में कबूतर उड़ता है। तो अभी ज़रा इनकी धूपें बजेंगे, इनको डंडे पड़ेंगे तो ज़रा ये सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह, उड़ जाएंगे यार, मुझे उम्मीद है 12-1 बजे तक तो मैं एक आधा कबूतर ले ही जाऊंगा, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये 12-1 नहीं बजते बड़े, मेरे पास कौन से कोई खुडों का खुडे जेठ के लिए भरा है, गिनती के कबूतर है जो आपको दिखाएं। लेकिन आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया दें, इंशाल्लाह आपका भाई शौक करेगा जेठ का, उसके बाद फिर ये सारे बाइंड अप करके फिर अगले साल की तैयारी करेंगे। असू नहीं खेलना, मैंने असू में बर्बादी नहीं, कबूतर तबाह हो जाते हैं, सिर्फ ये घंटा फिर ले। मेरा मकसद तो था ना, मैं इनको पानी दे के पहले 15-20 आधा घंटा छोड़ा वीडियो में, उसके बाद आए ताकि ये सिर्फ आसमान को हाथ लगाए और आ जाए, लेकिन वो सारी ठुक गए ऊपर। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, घंटा ये देख रहे हैं जोसरा ये भागा नीचे आ रहा, कोई बात नहीं, ज़रा गर्मी पड़ेगी ना ज़रा ये रवा आ जाएंगे कबूतर, उड़ जाएंगे, दिया दिया उड़ जाएंगे। बाकी जैसे जैसे मैं कबूतर आता है मैं उसका भी आपको शौक करवाता हूँ। बाकी वीडियो आपके साथ बना के शेयर कर दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। फनी और मादी तैयार कर रहा हूँ, बैकअप पर रखी हुई थी मैंने, मैंने कहा था जेड़ में लेके आएंगे, देखें ये इसने हार्डली ये 15 मिनट नहीं फिरे, ठीक है 15 मिनट नहीं ये जोसरा फिरा, लेकिन कोई नहीं मैं इसको उड़ा लूँगा इंशाल्लाह, डलेगा जेठ में सातों बाजियाँ उड़ेगा। अभी ज़रा ना तंबल है, गर्मी का सेका पड़ गया नीचे भागा है, बच्चे टैडी उड़ाया वो मानी। दोस्तों अभी कोई घंटा को ये फिर गए होंगे, ठीक है सारी आ गई हैं, जोसरी आ गई है, ये बच्चा टैडी आ गया है, वो ऊपर फनियर मादी भी आ गई है, निशई आ गया, बाबा लियाके हो गया, बड़ा टैडी आ गया, छोटा टैडी आ गया, बसंती आ गई, सारे के सारी कबूतर आ गए हैं यार। वो भी चारे छोटी सी जान है, गर्मी है दोस्तों, ओहो ये देख फिर अपनी कलाबाजियाँ लग रही हो तो फिर चारा छोटा सा परिंदा है। लेकिन ये है कि बस इनको गर्मी दिखा दी है, इनको 2 दिन में ज़रा धूप में मारूँगा, ज़रा इनको पता लग जाए धूप में आने का, बाकी फिर इंशाल्लाह भी इनको 2-4 दिन से दोस्तों खुराक भी रुकी हुई है, खुराक भी नहीं मैं दे रहा, खुराक भी इंशाल्लाह इनको देंगे। बाकी ये है कि ज़रा 2 दिन इनको मार लें, कोई बात नहीं, रिश रहे ना नीचे नीचे करिए, देखें बच्चा टैडी मेरा दिल कह रहा है इंशाल्लाह ये उठ जाएगा हमारा ना, अच्छा बच्चा कोई घंटा को फिर है, जब इनको ठंडे ठंडे टाइम मारूंगा ना तो ये सेट हो जाएंगे माशाल्लाह, शौक करें ये आगे मादी बैठ गई, एक घंटा फिर होंगे। अभी इस टाइम 12:20 हो गए हैं, जब मैं ऊपर आया था सवा को 11 बजे का टाइम था, अभी दोबारा से वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि फिर गया घंटा घंटा सवा घंटा फिर गए बड़े हैं, पापा लियाको भी आ गया, निशई भी आ गया, जोसरा भी फुस हो गया, जोसरा भी मुझे लग रहा गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी में जोसरे की मंजी ठुक जानी है, ये बड़ी टैटन भी लगी आ रही है, इसना पता नहीं क्या हो गया, तो गर्मी बड़ी है दोस्तों, परिंदा बेचारा क्या करे। लेकिन एक बात है, इसमें से जो कुंदा चल रहा ना वो चल रहा हमारी बसंती का, बसंती माशाल्लाह पूरा यस मैस है, बसंती ऐसी कबूतरी है, उसको खिलाइए और उसको उड़ाइए, बस ये इंशाल्लाह हो सकता है हम जेब में उड़ाएँ, बाबा लियाको भी लगाई आ रहा है।
अभी आज उड़ाई है, कल इनको फिर उड़ाऊंगा, परसों फिर उड़ाऊंगा, तीन को दिन इनका लगातार मारूंगा, उसके बाद इनको रेस्ट देखना है, फिर उसके बाद फिर इनको पीछे से बैकअप भी ले जाऊंगा, पक्की फिरत भी ले जाऊंगा, फिर पीछे तीन चार फिरते आनी है, तो उसके बाद फिर ये बाजी में येड़ की बाजी में डलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। मादी वो देखें हर फिट है, बिल्कुल मस्तियों में पड़े हुए हैं, ऊपर जाके मैं आपको ज़रा शौक करवाता हूँ, ठीक है। अभी ज़रा अपना निज़ाम भी करें, कोई चादर चुदर का शर भी डिहाइड्रेशन हो जाए, गर्मी बड़ी पड़ रही है। आज साल हमने जेठ उड़ाने की तैयार किया तो गर्मी ऐसी है, इस तरह ओहो दो चक्कर ऊपर के लगते हैं, तो दोस्तों बंदा रह जाता है। बाकी यार आपके प्यार का मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा प्यार दिखाया साथ जीती थी वीडियो पे, तो मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। बाकी खैर हाँ, हमारी बसंती मादी ऊपर गई है दोस्तों, वो आज उड़ गया ही नहीं सही की टाइम टाइम फुस हो गई, और तुम ठंडे मौसम के कबूतर है हो, चली प्यारी टेंपरेचर ना मालक उड़ता ना तुम उड़ते हो, कोई नहीं दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया का ही मैं, कोई नहीं यार कोई बारह भी नहीं बजाएंगे लेकिन उड़ाएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। अभी ना दरअसल कच्ची हैं, गर्मी में कबूतर वही उड़ता जो बना होता है, ऊपर घुटा क्यों कर रहे हैं वो देखें सर, मस्ती में हैं पूरे पड़े दे रहे हैं, कोई इनको प्यास श्यास नहीं लगी, फिट नहीं है अभी जरा, ये नहीं सही ये पापा ले आको भी आके बैठ गया, चलो जो उड़ाए थे ये सारे भी ये बसंती लगी फिर रही है, ये देखिए ये बसंती लगी फिर रही है दोस्तों, उसके ऊपर वो फनियर मादी भी आ गई है, टैडी पट्ठा भी आ गया, ये एक रंगों के बारे में छोड़ा था, ये मलक शकील भी आ गया, ये भी माशाल्लाह उड़ जाएगा जेठ में, मुझे उम्मीद है बड़ी मादी भी उड़ जाएगी, और वो फनियर मादी भी, इसको गर्मी पड़ेगी ना वो भी उड़ जाएगी। बाकी दोस्तों यकीन जाने अल्लाह को जान देनी है, बत्ती गुल हो गई है, मुँह खुश्क हो गया मेरा, कि आप भी एक घंटा ऊपर बैठा फोन खुश्क हो गया, इतनी कोई गर्मी पड़ रही है जिसका कोई साग नहीं, उतरों का क्या हाल होगा यार, मेहनत करनी पड़नी है बहुत, अब आडर हमें छोड़नी पड़नी है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़नी कबूतरों से बहुत ज़्यादा, ये सुबह साग तो है नहीं डे, कबूतर आगे बैठे कबूतर सीधा होता है, इसके लिए इसको प्रॉपर प्रॉपर इसके साथ जुड़ना पड़ना है, लेकिन ये है कि मुझे खुशी है मेरे कबूतर जो पाँच सात हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ये मेरे से, अगर मैं इनकी देखभाल करूँगा सही तरीके से तो वो जो है ना वो माशाल्लाह उड़ जाएंगे, मेरा शो करवा देंगे, उसके बाद ये कबूतर मैं सेव करूँगा, ये देख सारी आ गए दे रहे हैं दोस्तों, ये देखें क्या करें यार गर्मी इतनी है भाई, वो क्या करें, मेरे बड़े कोई चैम्पियन कबूतर हैं, कबूतर यही होते हैं दोस्तों, लोगों के पास भी इतनी जोगे होते हैं, थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये कि उनकी देखभाल मेंटेनेंस तरीकाकार उड़ाने का बैठाने का, ये देखें ना अभी ठापे ठुपे मारे हैं, ये मादी भी आके ये ठापे मार के ऊपर जाके बैठ गई, मादी भी आके बैठ गई है, तो बंदा अब करे तो करे क्या, ये देख अभी इनको 10 को मिनट ज़्यादा धूप में बिठाई रखूँगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इनको बंद करने की कोशिश करेंगे, ये देखें ये आके बसंती बैठ गई है, बसंती की इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो बड़ी फनियर दे लें, सबसे एंड पे बैठी है फनियर मादी, वो मादी मेरी सीधी होगी ना तो ये केली कबूतरी मेरी हार जीत का भाव देगी, यानी कि हार जीत कराएगी, एक पट्ठा भी अच्छा हमारा फिट है जान में है, इसको भी इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा, अभी देखें ना इसके परों में से आवाज़ आ रही है, बने नहीं है अभी गर्मी में, इनको रोज़ कुटूंगा ना ये फिर जाके बनेंगे, इनको दो वो दिन कुटूंगा उसके बाद फिर इंशाल्लाह इनको खुराक बनना शुरू कर देंगे। अभी जो हम कहें ना मेरा ख्याल है कि कल इनको मैं फिर ज़रा थोड़े 7 बजे ना धूप में फिर इनको मारूँ, उसके बाद जब जाएंगे तो फिर इनको खुराक दूँ, आज सिर्फ दाने पर गुजारा करना है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं आता चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी जेठ की बाजी लगी हुई है बस, ये खैर खाई ऐसा जेठ उड़ जाए उसके बाद जान सुकून में, बाद में ठप्पे ठुप्पे घेरते रहेंगे कबूतर बनाने के, लेकिन दोस्तों सारे के सारे कबूतर मेरे बैठ गए हैं, काम जो है ना शुद्ध हो गया, घंटा को फिरे होंगे ठीक है, और आगे सारी टी हो गए, वो देखें मुद्दे मुझाल के ऊपर बैठे हुए हैं, पापा ले आपको से तो सीधे ही नहीं हुआ जा रहा, फाड़ लो उन्होंने फाड़ लो, क्या करें कबूतर हैं ये भी अब कि इनको इधर उतारता हूँ, वीडियो कंटिन्यू करते हैं, 11:30 उड़ाए थे, 12:50 पे सारे कबूतर खुड्डे के अंदर मौजूद हैं, और खैर कहीं ऐसे बंद कर ली, ये आती है गर्मी, इसको कहते हैं जेठ मंजी के हेठ, तो मैंने कहा चले अपने व्यूअर्स के साथ वीडियो बना के शेयर करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, तो अभी इंशाल्लाह ऑफ कैमरा इनको ना थोड़ी देर ऊपर बैठने देता हूँ, उसके बाद इनको उतार के पानी छानी पिलाऊंगा, गर्मी बढ़ी है दोस्तों, कबूतरबाजी करूँगा ज़रूर, मैंने आपको अपने व्यूअर्स को बता दिया है, चाहे ठप्पे हों चाहे अच्छे हों उड़ाएँगे ज़रूर, लेकिन अब लगे हैं क्योंकि मुझे पता मेहनत बहुत करनी पड़नी है, सिर्फ 2 घंटे छत पर बैठा हूँ, ऐसे झूला मैं इस गर्मी में कबूतर को उड़ाना, जी थोड़ा ठंडा हो जाए तो मज़ा आ जाए, मैं कह रहा हूँ यार हमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए,
बड़ी मेहनत है यार, 12-13 बजे वाली कबूतर। अभी वैसे भी गर्मी में 3-4 दिनों के बाहर निकाल रहा, सारी बंद हो गया। वो देखें नरमादी आपस में जो है ना उनको लगे हुए हैं, टुचटी टुचटिया करने लगे हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह भी इनको उतारते हैं, फिर इनका कोई ठाठिया लगाते हैं। मैंने कहा चलें आज आपको अपडेट देते हैं। पर आज ये थी अपडेट, छठावट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है गर्मी के बाद निकले, 5-7 दिन के बाद तो यही है। कल इंशाल्लाह इनको लगातार मारेंगे ना तो ये सेट हो जाएंगे, इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस चीज़ की कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी भाई को ज़्यादा दें, कमेंट में अपनी राय बताइएगा। बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर देखता हूँ मैं, कोई मशवरा हो तो दीजिएगा। बाकी अल्लाह का नाम लेके लगे हैं, कल से इंशाल्लाह अब इन पर चढ़ जाएंगे, तो फिर कोई हिसाब किताब लगाते हैं हम इनका, क्या करना क्या नहीं करना।